स्किनी बॉडी, पतली बॉडी, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है, भूख भी कम लगती है, सर्दियों का मौसम आ रहा है। सर्दियों का मौसम मैं कहूंगा गेनिंग के लिए, गेनिंग करने वालों के लिए, स्किनी बॉडी वालों के लिए द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों है इसको? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स वाला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्स खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो है काफी काम की, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं टारगेट करूंगा स्किनी बॉडी, पतली बॉडी, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है, भूख भी कम लगती है। तो दोस्तों सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम मैं कहूंगा गेनिंग के लिए, गेनिंग करने वालों के लिए, स्किनी बॉडी वालों के लिए द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों देखिए, जो स्किनी बॉडी है जिसकी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये भगवान ने उसकी बनाई है, गॉड गिफ्ट है, नेचुरल है, इसमें बिल्कुल भी शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो स्किनी बॉडी वालों के ज्यादा हैं, जो कि कहते हैं कि सर हम जिम भी नहीं जाना चाहते क्योंकि हमको शर्म आती है, हमारी बॉडी स्किनी है, हमको कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों ऐसी आपको थॉट सबसे पहले दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप एक ही हैं। अगर हम देखें तो इस पूरी धरती पर, पूरे पृथ्वी पर अगर टोटल पॉपुलेशन देखें तो मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट अराउंड 7 अरब है, 700 करोड़ के आसपास हैं हम जो है पॉपुलेशन, पूरी जो पॉपुलेशन है, कुछ ज्यादा कम भी हो सकती है, मैं बता दिया आपको एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करता हूं, तो मैं इस पूरी धरती पर एक ही हूं, मतलब मेरे जैसा, मेरी शक्ल, मेरी आवाज, मतलब बिल्कुल सेम, कोई और तो नहीं है ना, मैं एक ही हूं ना। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी तो एक ही हैं। तो दोस्तों हर कोई यूनिक है, हर कोई अलग है, हर किसी की बॉडी भगवान ने एक ही बनाई है, एक बार ही बनाई है, और एक ही मिला है आपको ये जीवन। तो जियो इसे जीवन के, नेगेटिव थॉट से दूर रहो, पॉजिटिव रहो, गेनिंग हो जाएगी। बस प्रॉब्लम पता है कहां आती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना पड़ो। अब बात आ जाती है अपने मेन पॉइंट के ऊपर, थोड़ा सा मोटिवेट मैंने कर दिया स्किनी बॉडी वाले, क्योंकि मैं जानता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आप करते हैं, फैमिली है मेरी, फैमिली की तरह हम यहां काम करेंगे। अब बात करते हैं सर्दी की, कि सर्दी के मौसम में क्या है ऐसा खास जो कि गेनिंग कराएगा। दोस्तों सर्दियों के मौसम में देखो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। सर्दियों के मौसम में नो डाउट हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो उसमें बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न करनी पड़ती हैं, और आपने भी अगर नोटिस किया हो तो सर्दियों में हमें भूख भी ज्यादा लगती है। उसका कारण ही यही है कि सर्दियों में बॉडी को हीट प्रोड्यूस करनी पड़ रही है अपने आप को गर्म रखने के लिए, जिसकी वजह से कैलोरीज बर्न हो रही है, जिसकी वजह से वो डिमांड कर रही है कि भाई और दो मुझे खाना। तो दोस्तों उस मौके का फायदा उठाना है हमें, मैं ये नहीं कह रहा गेनर लेने, आपको दोस्तों डाइट के बेस पर हमें फायदा उठाना है। जब आपको थोड़ी सी भूख लगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा खा लीजिए, कुछ ज्यादा खा लीजिए, और बिल्कुल तैयार रहिए, खाने को पास रखिए, जी हाँ दोस्तों, ताकि आप कैलोरी सरप्लस पे जा सके, ताकि आपकी गेनिंग हो सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमारी अगर गेनिंग होगी, हमारी अगर बॉडी गोल्स अचीव होंगे, तो वो होंगे हमारी डाइट से, हमारी एक्सरसाइज से। दोस्तों सप्लीमेंटेशन सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं, और अब सर्दियां जो हैं वरदान है हमारे लिए, सर्दियां हमारे पास आ रही हैं स्किनी बॉडी वालों की, अब भूख नेचुरली कुछ इंक्रीज होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो पंगा है ना, स्किनी बॉडी वाले कहते हैं कि भैया हम खा तो लें पर भूख लगे तब ना। तो दोस्तों भूख लगने का टाइम अब आ गया है, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी सी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो तैयार हो जाएं, कमर कस लें गेनिंग करने के लिए, डाइट पूरी रेडी कर लें, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज पे जाने का मौका मिले। और डाइट में भी हमारे पास स्नैक्स में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे अगर हम कहें तो गुड़ और जो मूंगफली हो गई, उसकी जो है गज्जक वगैरह भी आती है, आपने भी देखी होंगी, बट उसमें चीनी भी मिली होती है, तो इसलिए थोड़ा अनहेल्दी हो गया। अगर नेचुरली आप गुड़ वगैरह ले लें और जो है मूंगफली वगैरह ले लें, तो काफी हेल्दी स्नैक हो जाता है, आपकी शक्ल गंदियां चल जाएंगी, जिनको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, और हम लोकल में शक्ल गंदी कहते हैं, पर वैसे शक्कर गंदी होता है वो, तो दोस्तों वो भी चल जाएंगी। तो इसलिए काफी सारे ऑप्शन है आपके पास अब गेनिंग करने के लिए, कैलोरी सरप्लस पे जाने के लिए, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। तो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, बना रहा हूं इसलिए ताकि आप अभी से ही तैयार हो जाएं, इस वीडियो को शेयर कर दें हर स्किनी बॉडी वालों के लिए, ताकि देखो यार हम जो है ना ढके और छुपे रहेंगे सर्दियों में, ताकि आप जो है सर्दियों सर्दियों में भूख का फायदा उठाएं, कैलोरी सरप्लस पे चले जाएं, और जब आपको थोड़ी सी भूख लगे तो कुछ एक्स्ट्रा खा लें, थोड़ी सी लगे तो कुछ एक्स्ट्रा खा लें, कैलोरी सरप्लस पे जाएं, और जब उसके बाद जब गर्मी आएंगी, जब आप अपने जो गर्म कपड़े हैं उनको
हटा के जब फिर से आप जो है आएंगे टी शर्ट्स वगैरह में, और फिर आपको अपने आपको मिरर में देखकर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर उसके बाद आप और पॉजिटिव हो जाएंगे, और जितना पॉजिटिव होंगे उतने ही हम अपने गोल्स अचीव करते चले जाएंगे। तो दोस्तों सर्दियां आने वाली हैं तो तैयार हो जाए, तो ये वीडियो एडवांस में बनाई है। और दोस्तों देखिए, नो डाउट सप्लीमेंटेशन आपके पास ऑप्शन है, पर वो ऑप्शन ही रहने चाहिए, कभी भी उनको बेस नहीं बनाना है। काफी बार मैं देखता हूं कि सप्लीमेंटेशंस के ऊपर इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि डाइट को भी इग्नोर करने लग जाते हैं लोग। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों फैमिली हैं आप सब लोग, हमको पहले डाइट का बेस सॉलिड रखना है, उसके बाद कोई गेनर शेनर उनको लेना है। बाकी अगर आप लेना ही चाहते हैं, अगर आप जो है ऑलरेडी अच्छी डाइट फॉलो कर लेते हैं उसके बाद आप ऐड करना चाहते हैं, तो लेने हैं सप्लीमेंट्स वाला से, क्योंकि सप्लीमेंट्स वाला यहाँ फैमिली है, फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। तो मास गेनर्स के बहुत सारे रिव्यूज किए हुए हैं, ओपनिंग की हुई है, तो वो देख लीजिए आप। बाकी अभी जो आज की जो वीडियो थी वो थी सिर्फ और सिर्फ आपको बताना कि अच्छा मौका है हमारे पास 2-3 महीने का, तो 2-3 महीने में क्यों ना हम जो है डाइट से जो है अच्छा खासा वजन बढ़ा लें, ताकि हमको जो है अच्छी खासी गेनिंग मिल सके। जब हम सर्दियों के कपड़े उतारें तो हम अच्छे खासे लगें। तो ये वीडियो मेरे परिवार के सारे सदस्यों के लिए, सप्लीमेंट्स विला परिवार। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे, क्योंकि बढ़ेंगे हम जितना लड़ेंगे हम उतना फेक माफिया से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे या कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर भी आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाने का। तो मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। दोस्तों आपके इतने प्यार, इतने सपोर्ट के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप सब लोग, फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, सप्लीमेंट्स वाला फैमिली है। आज के मैं अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गेनिंग करते रहिए, तैयार रहिए, सर्दियां आने वाली है, भूख बढ़ने वाली है, मौके का फायदा उठाना है हमें। नमस्ते।